मौजूदा सूबाई हुकूमत पार्टी के इस एजेंडे की तकमील के लिए न सिर्फ पुरअज़म है बल्कि शुरू दिन से ही संजीदा और नतीजा खेज इकदाम उठा रही है। वज़ीर दाखला मीर जावला लांगो कमिश्नर मेहरुल्ला बादी की ज़ेरे सदारत इजलास इजलास में उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि जिला ज़ियारत में इंसदाद पोलियो मुहिम 11 जनवरी 2021 को शुरू होगी और 15 जनवरी को इख्तिताम पज़ीर होगी। पोलियो मुहिम के दिनों में वायरस की मुंतकली को रोकने के लिए तमाम कोविड-19 तजवीज की हर सतह पर पैरवी करनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर अजीम काकड़ की जेरे सदारत इजलास से खिताब अवाम के बुनियादी मसाइल से बाखबर है, उनके हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल पर विकार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गोलू मुमताज अली के इतराज डिप्टी कमिश्नर फराज अली की हिदायत पर पेट्रोलियम पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, कम पैमाने वाले पेट्रोलियम पंप पर जुर्माने और सील कर दिए गए। नोगुंडी पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में मखसूस और माजूर अफराद के चेकअप के लिए 1 रोजा मेडिकल कैंप इनेकाद किया गया। हरनाई के अफगान की गंभीर सूरत हाल, सियासी सरगर्मियाँ, मुनशियात की सरेआम खरीदो फरोख्त, चोरी डकैती और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। खवातीन ने मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान में भी हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। जोनल कमांडर अली शेर चेखरानी नौशकीली बीच फोर्स की कार्रवाइयाँ जारी। आज जूनियर टीचर्स एसोसिएशन ने अपने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हेडलाइंस आपने जाने, अब चलते खबरों की तफसील की जाने। वजीर दाखला मीर जावला लांगो ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत पार्टी के इस एजेंडे की तकमील के लिए न सिर्फ पुरअज़म है बल्कि शुरू दिन से ही संजीदा और नतीजा खेज इकदाम उठा रही है। इक्तदार में आने से पहले आवाम के साथ जितने भी वादे किए गए थे वो तमाम वादे एक एक करके पूरे किए जाएंगे। सूबे के तमाम इलाकों में लोगों को इलाज मुआवजे की मियारी सहूलियात की फराहमी को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर मेहरुल्ला बादी की ज़ेरे सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में डी पैक का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को इंसदाद पोलियो के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जिला ज़ियारत में इंसदाद पोलियो मुहिम 11 जनवरी 2021 को शुरू होगी और 15 जनवरी को इख्तिताम पज़ीर होगी। इजलास में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। डिप्टी कमिश्नर मेहरुल्ला बादी ने खिताब करते हुए पोलियो मुहिम एक कौमी मुहिम है, इसको कामयाबी से हमकिनार करना हम सब की जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर दुक्की अजीम काकड़ की जेर सदारत DPEC का आइंदा NID मुहिम के हवाले से इजलास DHO ऑफिस दुक्की में मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर अजीम काकड़ और DHO डॉक्टर अब्दुल हलीम नासिर ने कहा कि पोलियो मुहिम के दिनों में वायरस की मुंतकली को रोकने के लिए तमाम COVID-19 SOPs की हर सतह पर पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुहिम के बेहतर मयार के लिए हेल्थ के तमाम अमले को मुहिम में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अब रजाकारों की जगह सेहत के अमले की ड्यूटियां लगाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कोहलू मुमताज अली के खान ने कहा है कि अवाम के बुनियादी मसाइल से बाखबर हैं, उनके हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल पर विकार लाए जा रहे हैं। खुली कचहरी का मकसद अवाम के हल तलब मसाइल को करीब से जांचना है और शहरियों समेत तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने तजवीज़ पेश करके हल के लिए किरदार अदा करें। कोहलू के शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग और कम फ्राहमी ओवर लोड शेडिंग के बायस है। शहरी गैर जरूरी बल्ब, हीटर और दीगर बरकी आलात को बंद करके बिजली को महफूज बनाएं। डिप्टी कमिश्नर फयाज अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई अताउल नईम बलोच ने पेट्रोलियम पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, कम पैमाने वाले पेट्रोलियम पंप पर जुर्माने आयद किए और सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने लेविस के हमरा क्विटा लोरालाई रोड पर वाकया मुख्तलिफ पेट्रोलियम पंप पर छापे मारकर मस्कुरा पंप्स का पैमाना चेक किया। उन्होंने कम पैमाने पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वाले पेट्रोलियम पंप्स को जुर्माना और सील कर दिया और कहा कि किसी को लोरालाई में धोखाधही से मुनाफा हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नोगुंडी पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में मखसूस और माजूर अफराद के चेकअप के लिए 1 रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पेट्रिक फाउंडेशन की ताबून से डॉक्टर्स की एक टीम ने माजूर और मखसूस मरीजों का मुआयना किया। क्वेटा अलखिदमत अलहजी अस्पताल के डॉक्टर सर्जन ऑर्थोटेक मोहम्मद खान निज़ामुद्दीन, BRSP जिला चागी के SO अब्दुल रहमान संजरानी और अलतारिफ रेकी ने 1 रोजा मेडिकल कैंप लगाया। हरनाई जमीत उलमा इस्लाम के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और जिले अमीर मौलाना अब्दुल खालिक सदीकी की जेर सदारत PDM का अहम इजलास JUI के जिले दफ्तर में मुनक़िद हुआ। इजलास का आगाज मुफ्ती अब्दुल समद साद की तिलावत के कलाम से हुआ।
इजलास में पी टी एम में शामिल जमायतों के जिलाई कायदीन ने शिरकत की। इजलास में हरनाई के अमन व अमान की गंभीर सूरतहाल, सियासी सरगर्मियाँ, मनुष्यात की सरेआम खरीदो फरोख्त, चोरी डकैती और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। नेशनल हाईवेज एंड पाकिस्तान मोटरवे पुलिस वेस्ट जोन क्वेटा के जोनल कमांडर अली शेर जखरानी ने कहा है कि खवातीन ने मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान में भी हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। यही वजह है कि बलोचिस्तान की खवातीन बाहिम्मत होने की वजह से पाकिस्तान मोटरवे पुलिस में अपनी खिदमात अहसन तरीके से सरंजाम दे रही हैं। बलोचिस्तान एक कबायली सूबा है जहाँ पर खवातीन को कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। नुश्की लेविस फोर्स की कार्रवाइयाँ जारी। नुश्की के अलावा मल से बड़ी मकदार में छालियाँ बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक डीसी नुश्की कैप्टन जमील अहमद की हिदायत पर तहसीलदार नुश्की इम्तियाज बलोच, नायब तहसीलदार अब्दुल गफ्फार नोतेजे, रिसालदार मेजर सरदार ज़ादा बहराम खान मैंगल और दीगर लेविस फोर्स ने कार्रवाई करके मल के इलाके से छालियाँ बरामद करके कब्जे में ले ली। तहसीलदार नुश्की ने कहा है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की जा रही है ताकि नुश्की को इससे निजात दिलाई जा सके। आज जूनियर टीचर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें उनका कहना था कि 3 साल से हमने टेबल टॉक और मुज़ाकरात के जरिए मुतालबात हल करने की पूरी कोशिश की लेकिन महकमा तालीम बलोचिस्तान ने हमारे मसाइल पर कोई तवज्जो न दी। महकमा तालीम ने 23 नवंबर 2020 में असातज़ा के लिए क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर 50% प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी किया था लेकिन बदकिस्मती और महकमे की नाअहली की वजह से आज 2020 तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेवीज मुतासरीन जिला खुजदार की जानिब से खुजदार टू क्वेटा लॉन्ग मार्च की गई। लेवीज की असामियों पर मेरिट का जनाजा निकाला गया। इस तरह मेरिट की पामाली और हक तलफी के खिलाफ हम अपनी आवाज आला हुकाम तक पहुंचा के रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।